Whether it is cinema, sports, space, we are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. Pawan Kalyan ko abhi humne dekha, Janasena ke neta, jinka bahut yogdan hai. Aur jaisa ki hum sab jante hain, bahut hi mashhoor, prachalit, prakhyat aur Ramdas Athavale. एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं. कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है. और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं, तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है. कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं. उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा. और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन. भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है. आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है. हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है. ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं. और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ. भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है, वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं. इस समय शंकराचार्य का रामभद्राचार्य का आगमन. शंकराचार्य का आगमन, और जैसा हम सब जानते हैं, वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है. और ये नव निर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं, आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं. जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी, डायरेक्टर, और वसुंधरा राजे सिंधिया, अजीत पवार, एनसीपी गुट पवार, अजीत पवार, अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है. 1,80,00,000 इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए. लगभग 88,40,000 दिव्यांग मतदाता थे. 19,10,000 जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता. 19,74,20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता. भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या. इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई,